ओडिशा के स्कूलों में 26 जुलाई से होगी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई, आदेश किया गया जारी। दिल्ली में कोरोना के नए केस में मामूली कमी, आज गई 4 लोगों की जान, संक्रमण दर 0.08। 24 घंटे में देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन ने तेज की तैयारियां। प्रियंका गांधी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर दर्ज किया गया मुकदमा, धारा 144 के उल्लंघन का लगा आरोप। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में बढ़ रहे हैं टीवी के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की टीवी की जांच के दिए हैं आदेश। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां सबसे पहले सपा नेता क्रांति कुमार के वह घर पहुंची और रेप पीड़िता के परिवार के साथ मिली। साथ ही ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के चलते महिला प्रत्याशी व समर्थक महिला के साथ बदसलूकी व मारपीट से पीड़ित महिलाओं से भी उन्होंने मुलाकात की, साथ ही हर संभव मदद देने की भी उन्होंने बात कही। वहीं मौके पर कांग्रेसियों ने जमकर प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। पूरा वीडियो है, बाकायदा सब कुछ दिख रहा है कि क्या हुआ है इनके साथ, किस तरह से पीटा गया है, किस तरह से प्रशासन खड़ा है, किस तरह से पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे, एक आध कर रहा है मदद, बाकी सारे खड़े हैं। तो क्या आप अपने प्रदेश में यही चाहते हैं, देश में ये चाहते हैं कि लोकतंत्र की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जाए? प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ के कहे हैं कि बधाई दी है पंचायत के चुनाव के लिए, और हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता के बीच जाकर अपनी अपनी पार्टी का दमखम पार्टी के नेता दिखाने में जुटे हुए हैं। वहीं सभी पार्टी नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी इस बार प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर आप सांसद संजय सिंह अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल की सरकार बनाने का जनता से आग्रह किया, और आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर भी जमकर तंज कसा। सबसे पहले मैं मशहूर फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जी की शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवाद के वो शिकार हुए, लेकिन मैं इसके साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक जाबाज पत्रकार के लिए संवेदना के एक शब्द नहीं बोले, जरा सा भी अफसोस जाहिर नहीं किया। क्या ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है? अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अफसोस जाहिर किया, दुनिया के तमाम पत्रकारों ने अफसोस जाहिर किया, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अफसोस जाहिर किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी आप तालिबानी आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से डरते क्यों? विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही यूपी की राजनीति अब नई करवट लेने लगी है। एक ओर जहां सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी सियासी रण में उतरने का ऐलान कर चुकी है, वहीं बाकी दल भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इतनी हलचल के बीच प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर हर किसी की पैनी नजर है। 2 दिन के दौरे पर यूपी पहुंची प्रियंका ने मौन व्रत से योगी सरकार को संदेश दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव रहने के लिए कहा है। अपने दौरे पर प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी भी पहुंची, यहां से भी हुंकार भरते हुए प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में अपनी जीत का दावा पेश कर दिया है। चुनाव को लेकर प्रियंका की प्लानिंग को लेकर हमारे संवाददाता ने कांग्रेसी नेता से खास बातचीत की। प्रमुख मांगे हैं योगी जी इस्तीफा दें, जंगल राज को खत्म करो जी। यह जनता भी ये चाहती है इस सरकार से छुटकारा, जो वादे करके सरकार आई थी, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अच्छा। तो इस सरकार ने जब 60 रुपए डीजल था
तब मोदी जी बोलते थे, आज 100 रुपए डीजल है तो नहीं बोल रहे हैं, तब योगी जी बोलते थे। देखिए जनता मन बना चुकी है कांग्रेस के लिए, जनता मन बना चुकी है कि इसे कोई देश को चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी चला सकती है। जुमलेबाजों का टाइम निकल चुका है, जनता इतना गुमराह कर चुके थे ये कर लिया, अब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस पार्टी के साथ है। हमारे साथ बातचीत के लिए हरप्रीत सिंह चड्ढा मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो इतनी महंगाई है, चाहे डीजल की बात हो या पेट्रोल की बात हो या जो महिलाएं हैं उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस पर आँख मूंदे हुई है, सरकार को जागना चाहिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन रणधीर के साथ रेहान वारसी, लखनऊ। लखनऊ में सपा नेत्री शालिनी सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शालिनी सिंह ने पीएम के काशी दौरे को लेकर भी जमकर निशाना साधा। सपा नेत्री ने बताया कि वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने वाराणसी की जनता के साथ विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ छलावा किया है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि सीवर और रोड जैसी बड़ी समस्याओं से वाराणसी के लोगों को अभी तक निजात नहीं मिली है, महज लाइट लगाकर शहर का सौंदर्यीकरण ही किया गया है। प्रमुख रूप से तो अभी आपने देखा कि बनारस चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ वहाँ और पूरे भर भर पेज विज्ञापन दिए गए बनारस की विकास की गाथा को गाते हुए। तो उसी पर मैं कहना चाहूँगी कि असल में बनारस की विकास की नहीं, विनाश की गाथा लिखी गई है। जो मूल समस्याएं हैं बनारस की, सीवर की समस्या है, जाम की समस्या है, गंगा जी का जो दुर्दशा अभी आपने हाल में देखी कि किस तरीके से 50-100 साल में जो नहीं देखा गया था कि लाशें उतराई हुई दिखाई दी गई और शैवाल जो कभी आज तक नहीं देखे गए थे, जो एक गंगा जैसी एक नदी जो कि अविर बहती है, जिसका नेचुरल फ्लो है, उसमें कभी आज तक शैवाल नहीं देखे थे, ये स्थिति आ गई। तो ये सब परिणाम है जो गंगा जी के विकास के नाम पर जो उसके साथ छेड़छाड़ की गई उसके चलते ही। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में इस वक्त उतर चुकी हैं। इसी मुद्दे पर निषाद पार्टी के हेड संजय निषाद ने बयान दिया। संजय निषाद ने कहा है कि सपा बसपा ने निषादों का खराब बर्ताव किया है। इसी के साथ उन्होंने जानकारी दी कि 2022 में सीएम योगी को सत्ता की कमान देने का संकल्प लिया गया है। तो आप भी सुनिए कि संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। आरक्षण भले संविधान में लिखा था लेकिन लागू नहीं था, आज इसे लागू हो गया। 1952 जब आरक्षण नहीं लागू था तो उनके माँ के फूट से हरवा पैदा होते थे, जैसे आरक्षण में लिया हाकिम पैदा होते हैं। उसी संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला मझवार हैं, इसकी पर्यायवाची जाती है मझवार की। राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है, 1961 की जनगणना की सूची भेज दिया कि केवट मल्ला को मझवार में गिना जा। तो वही गिनती कराने के लिए इनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पहले अपनी गिनती तो सही जगह कराओ, इन बेईमानों ने तुम्हारा नाम पिछड़ी में डाल दिया बिना पूछे। जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं तो मेरा नाम पिछड़ी में पढ़ना ही नहीं चाहिए। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना गया। बता दें कि इससे पहले भी सीएम ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। कोरोना संक्रमण कम हो चुका है इसलिए तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था को अच्छे से लागू किया जाए। वहीं आज समाधान दिवस पर कई शिकायतों को सुना गया और लोगों की समस्याओं का जल्द ही हल निकालने की भी बात कही गई। कह रहे हैं अब तुमको मार डालेंगे, पहले उन्होंने आए और हमारे घर में घुस गए, फिर हमारी बहुओं को खींचने लगे। तो हमने वहाँ पर जाकर कहा कि भैया अपने घर चले जाओ, हमारी बहुओं को न खींचो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम खींचेंगे, तो क्यों हमारे साथ इतना अत्याचारी हो रही। तो हम कहें भैया आपके पापा से बात हुई, कोई अत्याचारी हम नहीं कर रहे। कौशाम्बी के 12 ब्लॉक में ग्राम प्रधान को धमकियां मिल रही हैं और प्रधान को यह धमकियां पंचायत मित्र के द्वारा मिल रही हैं। जानकारी मिली कि पंचायत मित्र वाना आलमपुर प्रमोद यादव ने मनमानी की और विकास के नाम पर पैसों को निकाल लिया। आरोप ये भी है कि पूर्व प्रधान के समय में भी पंचायत मित्र ने घोटाले किए हैं और नव निर्वाचित प्रधान को पंचायत मित्र के घोटाले की बात पसंद नहीं आई। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पंचायत मित्र को ग्राम विकास अधिकारी की शह मिली हुई है। नहीं धमकियां नहीं दिया है, ये गांव पर आदमी लोग खबर लेके आते हैं कि
तुम्हारे में कुछ दम नहीं है, सब जगह सब काम पंचायत मित्र करेगा। कहते हैं कि नरेगा का काम बगैर प्रधान के पूछे काम कार्य करा रहे हैं। जी। क्या सही है क्या गलत है? 10 आदमी का काम करते हैं, 20 आदमी का नाम भरे हैं। अच्छा, 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोगों को हाजिरी लगती है। हाँ। जी, ऐसा पैसा निकाल के सब बेजूर खर्च हो रहा है। अच्छा, घोटलेबाजी ज्यादा हो रही है। अच्छा, तो इसमें आपके यहाँ जो मतलब पूर्ण प्रधान थे, क्या उसमें भी कुछ घोटलेबाजी हुई है? बहुत, उनको तो बहुत बेवकूफ बनाए। अच्छा, तो यहाँ पे मौजूद है पूर्ण प्रधान? हाँ मौजूद है ना, उनको जो प्रधान भोला यादव प्रधान थे। अच्छा, सिंह यादव। गोरखपुर में नगर निगम ने शहर के अंदर अपनी जमीनों को तलाशने की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर आज नगर निगम के गेस्ट हाउस में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में रेंट और लाइसेंस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी, नगर निगम के तहसीलदार सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के माध्यम से निर्णय लिया गया कि नगर निगम अब अपने जितने भी विवादित जमीन, नगर निगम की जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, जो जमीनें मुकदमे में फंसी हैं, उन सभी जमीनों की लिस्ट को तैयार किया जाएगा और उन्हें खाली करवा कर उनकी घेराबंदी की जाएगी। फतेहपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कंटेनर के पीछे घुस गई। हादसे में कानपुर में तैनात रेलवे इंजीनियर अमर सिंह और उनकी 2 बेटियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इंजीनियर की पत्नी और 1.5 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस बीच राहगीरों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मैचा मंदिर चौकी के पास में एक कंटेनर खड़ा था, उसमें पीछे से एक टाटा टेगोर गाड़ी होती है, उसमें एक परिवार आ रहा था। महिला हैं नीलम वर्मा, अध्यापक हैं, वही गाड़ी चला रही थी और प्रातःकाल में लगभग 8:30 के बीच में पीछे से खड़ी ट्रक में घुस गई और लोग घायल हो गए और तत्काल उन्हें अस्पताल भिजवाया गया और उसमें उनके पति, 2 बेटियां और उनके ससुर, 4 लोगों के कुल अस्पताल। औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी। इसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कार्यवाही को भी शुरू कर दिया गया है। औरैया में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बिधुना थाने का निरीक्षण किया। समाधान दिवस के मौके पर डीएम सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने फरियादियों की बात सुनते हुए उनकी समस्या का समाधान निकालने की बात की। साथ ही औचक निरीक्षण कर थाना परिसर को चेक किया गया और कमियों को दूर करने के लिए लोगों को फटकार भी लगाई गई। काफी दिनों बाद कोविड महामारी के चलते तहसील दिवस की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, आज तहसील दिवस की कार्रवाई हुई है और काफी जो प्रखंड थे वो भूमि विवाद संबंधित थे और कुछ प्रखंड अन्य जो पुलिस कार्रवाई है उससे भी संबंधित थे। जैसे जैसे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है वैसे वैसे और भी लोग तहसील दिवस में अब आते जा रहे हैं और जो भूमि विवाद है उसके लिए थाना दिवस का दिन हमारे द्वारा जो करा जाता है कार्रवाई, उसमें ये जितने भी मामले हैं चाहे वो तहसील दिवस में आए हों चाहे थाने में अन्य माध्यम में उसे आए हों, तो जो संयुक्त टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की जानी है वो हम। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में बाजार गई युवती को अगवा कर कार सवार ने दुष्कर्म किया और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई। इसी के साथ पीड़िता शिकायत करने के लिए थाने पहुंची। पीड़िता की बात को सुनते हुए पुलिस ने केस को दर्ज कर लिया है।
मैनपुरी के थाना एलाऊ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने तवंचा और 4 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। थाना प्रभारी एलाऊ सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि युवक के ऊपर 10,000 का इनाम था। आरोपी के खिलाफ थाना बेवर और किशनी में 5 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। काफी दिनों से पुलिस को आरोपी की तलाश थी। पकड़े गए आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की बात कही जा रही है। संभल में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क किनारे खड़ी रोडवेज सवारियों को उचल दिया। इस घटना में गाड़ी परिचालक सहित 3 लोगों को की मौत हो गई है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के कादराबाद के पास ये पूरी घटना हुई, जहां पर इस तरीके से भीषण हादसा देखने को मिला है। सीतापुर के 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ के सेवा समिति द्वारा 5100 दीपों को जलाया गया। आपको बताया गया कि चक्र तीर्थ के 8 कोनों में जब अष्टकोणी आरती उतारी गई तो एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। आरती के 8 कोनों पर दीपों से धार्मिक चिन्ह बनाए गए। चक्रकुंड दीपों से जगमग हो रहा था। चक्रतीर्थ पुजारी ने अष्टकोण आरती प्रारंभ की। इस दौरान दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। देश में जब भी कोई नई सरकार आती है तो लोगों से काफी लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं। हर वर्ग के लोगों को लुभाने की काफी ज्यादा कोशिशें होती हैं। इसमें से कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं और कुछ इसी उम्मीद में रह जाते हैं कि सत्ता पर काबिज होने वाले लोग उनकी परेशानियों को कम करते हुए उनके सपनों को पूरा करेंगे। आज हम आपको ऐसी ही पार्टी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आम आदमी के हर सपने को साकार करने का दावा पेश कर रही है। तो चलिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनी हर परेशानी को दूर करने के लिए आम जनता शासन और प्रशासन का दरवाजा खटखटाती है और लोगों को यही उम्मीद रहती है कि सत्ता पर बैठे लोग उनकी परेशानियों का हल चुटकियों में कर देंगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है और कभी कभी लोगों के हाथ सिर्फ निराशा ही लगती है। लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जो आम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और लोगों की हर समस्या का हल निकालने का दावा करते हुए ताल ठोक कर मैदान में उतर आई है। जी हाँ, इस पार्टी का नाम है भारतीय जन जागरण पार्टी। पार्टी की ओर से कहा गया है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए, इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। आम लोगों का एक ही सपना होता है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ अच्छी शिक्षा और खाना मिले। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज ने ही ऐलान करते हुए भारतीय जन जागरण पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी का एक ही संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रशासन और अब जनता का होगा शासन। जन जागरण पार्टी आम लोगों के लिए हर समय खड़ी है। अब पार्टी के लोग हर महीने आम लोगों के बीच जाकर उनकी बातों को सुनेंगे। इसी के साथ पार्टी ने ये भी ऐलान किया है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएंगी। पार्टी मेरा ये है, सोच हमारी पार्टी की कि हम जनता द्वारा बनाए गए हैं, जनता के पास, जनता के द्वार हर जनता के पास पहुंचकर हम वहां से उनके कार्य उनकी सेवा करने का लक्ष्य है। यह मेरा लक्ष्य होगा कि शिक्षा और चिकित्सा, जो बच्चा जन्म लेता है अगर वो पैदा हो गया भारतवर्ष में, उसकी शिक्षा और चिकित्सा की जिम्मेदारी हमारे सरकार की और हम लोग वहाँ उनके द्वार पे ये सुविधाएं पहुँचाने का काम करेंगे। सब हो गया कार्य न करें, हमारे जो संकल्प हैं ये प्रपत्र में छपे हुए हैं। इसके अलावा हम जनता के बीच में जा करके अपनी फरियाद सुनाएंगे और उनकी समस्याओं को का निस्तारण करेंगे। करने के बाद यदि हम अपने में सक्षम समझते हैं कि हम पार्टी में अपने प्रतिनिधि पार्टी से उतारें तो हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे, मगर अभी समय जो है मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि नहीं चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि अभी वक्त है हमारे पास।
लगभग हमारी पार्टी से, क्योंकि हमारा संगठन पहले से चल रहा था, तो मतलब हमारे साथ जो है अन्य लोग भी और ज्यादातर ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण अखिल भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से चल रहा था, लोग समझ रहे थे कि ये ब्राह्मणों की संस्था है। तो लगभग लगा यूपी में हमारे पास दसियों हजार की जो है तो मेंबर। अब अगर देश और समाज में जन जागरण पार्टी जैसी कई पार्टियां होंगी तो आम आदमी का हर सपना साकार होगा। इस पार्टी से भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं कि वो लोगों की हर परेशानी में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।